अररिया जिला पंचायत अंतर्गत झिरवा फुलवारी वार्ड नंबर 1 में प्रगति बाल विकास योजना की सेविका हसीना प्रवीण सहायिका सवाना खातून के द्वारा फीता काटकर प्रगति बाल विद्यालय का उद्घाटन किया गया। इसमें 3 से 6 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और भोजन दिया जाएगा। जो इधर उधर भटक रहे हैं उसे संस्था के अंतर्गत अच्छी शिक्षा और भोजन भी दी जाएगी ताकि कुपोषण दूर हो सके। और सरकार की जो मुहिम है वह प्रत्येक गांव जहां तक की सरकार की कोई संदेश नहीं पहुंच पा रही है वहां इस संस्था के द्वारा संदेश पहुंचाया जाएगा। मेरा नाम शंकर कुमार मेहता हुआ। प्रगति बाल विकास योजना के अंतर्गत जो प्रगति बाल विद्यालय चल रहा है और हम शंकर मेहता जनरल मैनेजर के पद पे नियुक्त हूँ। प्रगति बाल विद्यालय एक ट्रस्ट है जिसके अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक के प्रत्येक पंचायत में एक केंद्र चालू करते हैं जिसमें वैसे बेरोजगार और गरीब असहाय महिलाओं को रोजगार देना हमारी संस्था का नियम है। जो घर से बेघर हो, आप साइड में देख सकते हैं कि जहाँ तक कि सवाल किया जाए सरकारी शिक्षा जहाँ नहीं पहुँच पा रही हो वैसे बच्चा हमारी संस्था से जुड़ रही है। और जो बेरोजगार हैं वैसे महिलाएं को हमारी संस्था के अंतर्गत रोजगार दे रही है जिसमें कि सेविका की मानदेय 2500 रुपया है और सहायिका की मानदेय 1500 रुपया है। एक केंद्र पर 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा और भोजन दी जा रही है। नाम देवेंद्र कुमार यादव, जिला कार्यकर्ता अररिया। प्रगति बाल विकास योजना के द्वारा जो ये मुहिम चलाया जा रहा है इसमें 3 से 6 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और भोजन दिया जाता है। ये प्रत्येक पंचायत के प्रत्येक वार्ड में खुलना है। मैं सभी का और उसको बच्चे को अच्छी शिक्षा दूंगी और घर से उसको बुला के ऐसा शिक्षा पढ़ाऊंगी और जो गरीब बच्चा उसकी सहायता करूंगी और उसको हर चीज़ पढ़ाई वक्त पर दूंगी 10 बजे से लेके 2 बजे तक। आंसा पर भी मरवा। अच्छा बताइए सभी का तुम भी बच्चे तक पढ़ाएंगे अच्छे समय पर 10 बजे से 2 बजे तक। सुपरवाइजर तो नाम बताएंगे संगीता कुमारी। संगीता कुमारी सुपरवाइजर में सेविका सहायिका है मिनी आंगनबाड़ी केंद्र के जो कि प्रगति बाल विकास है। यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा और भोजन दिया जाता है। जो बेरोजगार असहाय बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उसको शिक्षा दिया जा रहा है प्रगति बाल विकास से। ब्लॉक सुपरवाइजर शोभा कुमारी। मैं सेविका और सहायिका के बारे में जो कि सेविका यहाँ 20 बच्चों की एक केंद्र 20 बच्चे को एक केंद्र में एक सेंटर पे 20 बच्चे को पढ़ाए जाते हैं। सेविका एक सेविका है उसका जो कि आंगनबाड़ी हर पंचायत में है लेकिन थोड़ा दूर है। जो बच्चा आंगनबाड़ी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो इधर उधर रोड पर खेल रहे हैं उसके लिए ट्रस्ट है जिस जो बच्चे को शिक्षा प्राप्त होता है। नाम बताइए। मेरा नाम है रूपचंद कुमार यादव। मैं नरपतगंज ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। इसमें चलेगा 3 से 6 साल तक का बच्चा का जो है उसको निःशुल्क शिक्षा एवं निःशुल्क भोजन दिया जाता है प्रगति बाल विकास योजना की तरफ से 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक। और इसमें क्या क्या सुविधा आपको मिलती? खाना में इसमें खाना का मेन्यू के हिसाब से दिया जाता है। इसमें खाना का इसका पोषाहार मिलता है जिसमें 2609 रुपया मिलता है। और कपड़ा? अभी तो फिलहाल कपड़ा का व्यवस्था नहीं लेकिन हम लोग इसके बारे में भी चर्चा किए हुए हैं इसका भी मुहैया किया करवाया जाए। मेरा नाम विकास कुमार यादव। मैं फोरवीं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और मैं प्रगति बाल विकास योजना में कार्यरत हूं। और इस वार्ड में जो आंगनबाड़ी केंद्र का जो प्रस्ताव रखा गया इसके लिए हमने ही यहां से आवेदन किए थे जिसमें कि हर वार्ड में एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र का आयोजन किया जाता है जो कि एक सेविका और सहायिका को नियुक्त करके और सेविका सहायिका काम होगा जो 20 बच्चे को निःशुल्क शिक्षा और भोजन देंगे।
फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल जिसमें आपको मिलेगा 24 घंटे सातों दिन आपातकालीन सुविधा। आईसीयू, एनआईसीयू, जनरल फिजिशियन, स्त्री रोग, शिशु रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोफार्मेसी, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, कंप्यूटराइज लैब, एम्बुलेंस की सुविधा, जनरल वार्ड एवं डीलक्स वार्ड की सुविधा। हमारे अनुभवी सर्जन एवं डॉक्टर के द्वारा हमेशा आपकी सेवा में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में। हमारा पता है हॉस्पिटल रोड, 0 माइल, अररिया। आपके शहर में पहली बार मनसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स लेकर आया है। प्रीकास्ट टॉयलेट, प्रीकास्ट वॉलीबॉल, इंटरलॉकिंग टाइल्स, चिकाल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, फैब्रिकेटेड स्टील डोर एवं विंडो। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन जिससे हम तैयार कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की टाइल्स। आप अपनी फैक्ट्री, घर, आंगन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या बना रहे हैं अपने सपनों का घर, तो एक बार जरूर आएं। हमारा पता है मनसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स, रामपुर मोटर कट्टी, अररिया, 0 माइल से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर NH 57 से पूरब।